उनको कोई व्यापार शुरू करना है लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो कोई व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते हैं, तो उसी से रिलेटेड उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। इसको कटोरी, चाउमीन, पास्ता, मोटू पतलू, जंगल फन ये सब बोलते हैं। फ्राई करने के बाद उसका एफरा तेल निकालने के लिए ड्रायर मशीन आपकी लगेगी। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो, इस तरीके से आपको सिर्फ इसमें माल डालना है। हमने थोड़ा सा माल डाला था लेकिन फ्राई होने के बाद आप देख सकते हो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में भर गया है, रहता है सर्कुलेशन में। और आपका जो एफ्रा तेल है वो जाली के द्वारा इधर साइडों में निकलता रहता है और फिर यहाँ के द्वारा आपका सारा तेल बाहर निकल जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज वीडियो में आपको लेकर आ गए हिंदुस्तान फूड मशीनरी पे, जहाँ पे हम नए नए आइडियाज बिजनेस के लेके आते रहते हैं। और आज हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सर आज की वीडियो में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या नया बिजनेस आइडिया लेके आए, क्या नई अपॉर्चुनिटी लेके आए हमारे व्यूअर्स के लिए? आज का जो सेटअप होने वाला है वो जैसे आपके मिडिल क्लास के लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं, उनको कोई व्यापार शुरू करना है लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो कोई व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते हैं, तो उसी से रिलेटेड उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। आप कुछ सैंपल मेरे पास यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, ये है रेडीमेड फ्राइम्स का बिजनेस दोस्तों जी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये आपने बच्चों को खाने के देखते हैं, कटोरी है, चाउमीन है, पास्ता, एबीसीडी। मार्केट में जो जितनी भी परचून की दुकान है वहाँ पर जो पैकेट देखते हैं वो सारे के सारे जो बन के आते हैं जी, वो कैसे बनते हैं और कोई घर से अपना ये बिजनेस शुरू करना चाहता है वो कैसे इसको शुरुआत कर सकता है, तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तब तक बने रहिए वीडियो में सारा का सारा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ये रेडीमेड फ्राइम्स का बिजनेस है। इसमें करना क्या होता है, ये जितने भी आप सैंपल देख पा रहे हैं ये कच्चा आइटम होता है जो कि मार्केट में सभी जगह मिलता है जी। इसको कटोरी, चाउमीन, पास्ता, मोटू पतलू, जंगल फन ये सब बोलते हैं। अगर किसी को नहीं मिलता है तो वो हमारे द्वारा ये सब कुछ ले सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, कच्चा माल आपको लाना है, लाने के बाद ये हमारी फ्रायर मशीन है जिसमें आपको इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद कुछ आप देखोगे इस तरीके से आपका फ्राई हो जाता है, अभी आपको करके भी दिखाएंगे। फ्राई करने के बाद उसका एफ्रा तेल निकालने के लिए ड्रायर मशीन आपकी लगेगी। उसके बाद हमारी ये फ्लेवरिंग मशीन है और पैकिंग मशीन है। तो सिंपल सा ये बिजनेस है, आपको कच्चा माल लाना है, उसको फ्राई करके, फ्लेवरिंग करके और पैक करना है दोस्तों। तो इसके लिए आपको ना तो कोई कॉमर्शियल कनेक्शन की जरूरत है कि भाई आपको बिजली है भी लेनी पड़ेगी, ना ही कोई ज़्यादा बड़ा स्पेस की जरूरत है दोस्तों। आप छोटे से 10x15 के रूम में आपकी घर की बिजली से ये व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं आपको पूरा वीडियो में दिखा देता हूँ कैसे इसकी प्रोडक्शन होती है। पहले मैं आपको प्रोडक्शन करके दिखा देता हूँ दोस्तों, कैसे इसका सेटअप होता है जी। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक बार अपना प्रोडक्शन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये आपका कटोरी है, ये आपका चाउमीन है, ये मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। तो इसका जो पहला प्रोसेस होता है कच्चे माल को लेकर के, ये हमारा होता है फ्रायर मशीन। इस फ्रायर मशीन में आपको तेल डाल देना है और अपना गैस के द्वारा ये हीट होगा, उसके बाद आप अपना माल डालिए फ्राई करेगी। तो मैं आपको अपना पहला बैच बना के दिखाता हूँ कैसे ये प्रोडक्शन करती है और कैसे ये माल को फ्राई करेगी आपका। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो, इस तरीके से आपको सिर्फ इसमें माल डालना है और माल डालने के बाद ये अपने आप फ्राई करना शुरू कर देगा। बस माल डालने के बाद आपको एक बार इसको चलाना पड़ता है और मात्र 30 से 40 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट मान लीजिए आप, 1 मिनट के अंदर आपका माल फ्राई होकर रेडी हो जाता है। एक ही बार पूरा फ्रायर को उठाते हैं तो सारा का सारा माल हमारा एक ही बार में बाहर आ जाएगा। ये आप दोस्तों देख सकते हो, इस तरीके से हमारा माल ये फ्राई हो चुका है। तो दोस्तों जैसे कि आपने कटोरी फ्राई होते हुए देखा, अभी ऐसे ही आप इसमें 2 किलो कम से कम डालोगे चाउमीन तो आपका चाउमीन ही फ्राई हो जाएगा। इस तरह से चाउमीन आपकी डाली गई है इसके अंदर जी, और एक बार डालने के बाद इसको चलाना पड़ता है क्योंकि ये ढेर बना है, तो चला दोगे तो ये अपने आप फ्राई होना शुरू हो जाएगा। फ्राई होने का जो समय वही है, मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर आपका ये माल फ्राई हो जाता है। हमने थोड़ा सा माल डाला था लेकिन फ्राई होने के बाद आप देख सकते हो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में भर गया है। चेक कीजिए, सही चला दे पूरा। दोस्तों ये देखिए, इस तरह से कुछ तैयार हो जाता है आपका चाउमीन। ऐसा ही इसका अगला सेम प्रोसेस है, आपको बार बार नहीं उठाना है, एक ही बार पूरा ट्रे को उठाओगे तो सारा का सारा माल हमारा एक बार में ही ट्रे के अंदर आ जाएगा। ये देखिए, 2-2 किलो के ऐसे बैचेस आप बना सकते हो और इस तरह से तैयार कर सकते हो अपना माल। और सर रेडी हो जाने के लिए भी? हाँ जी, अब इसका अगला प्रोसेस केवल जैसे ये अपना फ्राई हुआ था, इसमें देख सकते हो आपको थोड़ा सा इसमें आप नमी है, तेल है, हाथों में तेल लग रहा है, तो इसका एक्स्ट्रा तेल को निकालने के लिए हम ऑयल ड्रायर का यूज करेंगे ताकि क्वालिटी अच्छी बने। तो अगला प्रोसेस क्या होता है वो भी आपको दिखा देते हैं जी। बाकी क्वालिटी आप देख सकते हो, एकदम ब्रांडेड क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट की। ये देखिए, तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा था कि हमारा माल ये फ्राई हुआ था, अब इसका एक्स्ट्रा तेल निकालने के लिए ये हमारी ऑयल ड्रायर मशीन है। इसमें हम एक बैच जो भी फ्राई होता है पूरा का पूरा डालेंगे और आपका बैच में से एक्स्ट्रा तेल निकाल के दिखाएंगे।
डाल ये देखिए दोस्तों, इसमें डाल के आपका जितना भी इसमें नमी है, जितना भी इसमें ऑयल है, सारा कुछ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और तेल अलग हो जाएगा और बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। फिर ये अगले प्रोसेस पे जाने के तैयार हो जाएगा। वहाँ जो हल्का हल्का तेल टपकेगा ना, उस तेल देखिए टपकते मामूली से तेल और डाल दें। रुपया बंद करके, कभी गर्म है तेल, रुपया छीट आ रही है यार नीचे का तेल। तो ऊपर ले आओ। तो इस तरीका से ये घूमता रहता है सर्कुलेशन में, और आपका जो एक्स्ट्रा तेल है वो जाली के द्वारा इधर साइडों में निकलता रहता है और फिर यहाँ के द्वारा आपका सारा तेल बाहर निकल जाता है। तो उससे क्या होता है, हमारी क्वालिटी एकदम अच्छी बनती है। बस बस, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा तेल था वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें निकल चुका है। बिल्कुल ही ड्राई भी नहीं करना पड़ता है दोस्तों, बिल्कुल ड्राई कर दोगे फिर इस पर आपका मसाला ही नहीं लगेगा। तो जितना हमें पॉसिबल होता है उतना तेल निकालने के बाद हमारी क्वालिटी अच्छी बने, उसके लिए हमें मसाला लगाना जरूरी है और मसाले के लिए हल्के मुल्का नमी होना जरूरी है। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा तेल निकालने के बाद ड्रायर के बाद हमारा ये आती है फ्लेवरिंग मशीन। अब जो भी आपको टेस्ट देना है, चटपटा हो, चाहे चाउमीन फ्लेवर हो, चाहे खट्टा मीठा हो, चाहे आपका स्पाइसी हो, तो इसमें माल डाल दो, अपना मसाला डाल दो, ये ऑटोमेटिक उसका फ्लेवरिंग करना शुरू कर देती है। तो जो बैच हमने फ्राई किया था, अब एक बार उसका एक्स्ट्रा जो मसाला लगा के आपको दिखा दे रहे हैं, माल डालिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देख सकते हो ये ऑटोमेटिक घूमता रहता है आपका, और जो माल है ये पलटता रहता है। अब इसमें हम अपना मसाला डालेंगे, जो भी हमको फ्लेवर देना है, तो ऑटोमेटिक इसमें आपका मसाले की फ्लेवरिंग हो जाएगी। ताऊ मसाला डालो, दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखाने के पर्पज से मसाला डाल रहे हैं, लेकिन आपको मेजरमेंट करके डालना है और चलनी के द्वारा छानना है, उससे क्या है अच्छी क्वालिटी में और प्रॉपर तरीके से मसाला लगेगा आपका। पन्नी उठा ले पूरी, सिर्फ एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर फ्लेवरिंग के टाइम पे, क्योंकि फ्लेवर होने के बाद ही प्रोडक्ट में टेस्ट आता है। जितना अच्छा टेस्ट होगा उतना ही अच्छा आपका मार्केट में रेस्पॉन्स हो जाएगा। तो आपको जितना भी बैच बनाना है, एक बार आपको तोल के इसमें बैच को डालना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको फ्लेवरिंग करनी है। सपोज आप 5 kg का बैच डाले हो और 5 kg में आपका 10% मसाला लग रहा है, तो आपको हर बार 10% के हिसाब से मेजरमेंट करके ही मसाला डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, फ्लेवरिंग हो चुकी है, देखिए इस तरह से प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। भेजा दिखाने का समय आया, ये देखिए इस पर आपका फ्लेवर लग के रेडी हो चुका है। अब ये खाने के लिए कंप्लीट रेडी है। आप चाहो तो इनको लूज में भी सेल कर सकते हो, या यहाँ से जो फ्लेवरिंग होने के बाद है, हमारा ये ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन आती है जी। इस पैकिंग मशीन में आपको 5 वाला पैकेट, 10 वाला पैकेट जो भी बनाना है, ऑटोमेटिक हॉपर में माल डाल दीजिए, और जितने ग्राम भी आपको पैक करना है उसके हिसाब से कटोरिया लगती है और अपना पेपर लगता है। बटन दबाते ही ऑटोमेटिक अपना पेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो हम हॉपर में माल डाल के आपको पैक करके भी दिखा दे कैसे ये पैक करेगी जी। होने के बाद जो हमारा माल रेडी होता है, इस हॉपर में हम माल को डालेंगे और आपको पैक करके दिखाएंगे। तो हॉपर में माल डालने के बाद ये ऑटोमेटिक हमारा वजन करेगी, और वजन करने के बाद अपने आप पैकेट बनना शुरू हो जाएगा। जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ था हमने डाल दिया पैकेजिंग मशीन में, और इस तरह से यहाँ से हमारा वाइब्रेटर चालू होते ही आप देखोगे ये ऑटोमेटिक हमारा वेट होने के लिए माल जा रहा है। इसमें ये वाइब्रेटर सिस्टम लगा हुआ है, इसमें क्या होता है, एक तो माल टूटता नहीं है और एक्यूरेसी अच्छी आती है। सपोज आपको 20 ग्राम पैक करें तो 20 ग्राम के ऑलमोस्ट ही पैक होता है। तो हॉपर में माल भरने के बाद अब जो भी आपको पैक करना है वहाँ पर अपना पेपर लगा देना है। पेपर लगाने के बाद यहाँ से मशीन चालू होगी आपका, और ऑटोमेटिक आपका वेट होकर पैक होना शुरू हो जाएगा। इसमें हमारा प्रोग्राम डाला हुआ होता है ऑटोमेटिक, आपको सिंगल पैकेट चाहिए या 10 का या 12 का लड़ी चाहिए तो ऑटोमेटिक आपका लड़ी भी बना देता है। अभी हमने इसमें 5 का प्रोग्राम डाला हुआ है, तो आपका ऑटोमेटिक हर 5-5 की लड़ियाँ बन रही है। तो फिनिशिंग आप देख सकते हो इस तरीके से मार्केट में आपके प्रॉपर चलने वाली प्रोडक्ट है। अभी एयर टाइट पैकिंग हो रही है, हाँ, पाउच में आपका एयर भरने का सिस्टम भी सारा कुछ है। ये देखिए, ये देखिए प्रॉपर पैकेजिंग के साथ। यहाँ पर मैं आपको एक पैकेट खोल के भी दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारा माल भरा है इसमें।
जो हमने माल बनाया था वो इस तरीके से पैकेट में आपका आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको बना करके अपना मार्केट में काफी अच्छा रोजगार शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और मतलब खाने के लिए प्रॉपर रेडी है ये? हाँ जी, अब ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी है और मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है आपका। क्या बात है। और सर बात की जैसे पूरे प्रोसेस में सर प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई होगी सर इसमें? देखिए इसमें जो आपका प्राइम्स आइटम होता है कच्चा माल मार्केट से आपको लेना पड़ता है जिसकी कीमत आती है करीब 40 से 42 रुपए किलो, ट्रांसपोर्ट वगैरह पकड़ के आपको मैक्सिमम 45 रुपए किलो आपको पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको फ्राई करना है तो फ्राई के टाइम पे आपका 20-22% हमारा तेल लगता है जी। और फ्राई करने के बाद हमारा फ्लेवरिंग मशीन आती है जहाँ पर हमको 10-11% अपना मसाला डालना पड़ता है और उसके बाद हमको ये पैकिंग करना पड़ता है। यानी कि एक 5 रुपए वाला जो पैकेट आप देख पा रहे हैं ये 5 वाला पैकेट आपका मैक्सिमम 2.5 रुपए की लागत में आपको रेडी होगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका रॉ मटेरियल हो गया, आपकी पन्नी होगी, आपकी लेबर होगी, सारा कुछ मिला के 1.5 रुपए में पैकेट रेडी होता है। और होलसेल में ये 3.5 रुपए का 3.25 रुपए का आराम से बिकता है। तो मोटा मोटा एक पाउच पर आप करीब 70-80 पैसे का मार्जिन कमा सकते हैं दोस्तों। और बात करें मशीन की प्रोडक्शन क्षमता की तो 1 घंटे में हमारा मशीन 1500 से लेकर 2000 के बीच में आपका प्रोडक्शन करती है। अगर आप मोटा मोटा दिन भर में अपना लेबर लगा के काम करते हो तो 8-10 घंटे नॉर्मली लेबर काम करती है। अगर 10 घंटे हमारा प्रोडक्शन होता है तो मिनिमम आपके 15,000 पैकेट बनना कंपलसरी है दोस्तों। क्या बात है, मतलब 15,000 पैकेट एक दिन की क्षमता है। 8 घंटे 10 घंटे कितना काम करता है। अगर आपने 15,000 पैकेट बनाए और आपने केवल 80 पैसे का मार्जिन रखा, 80 भी नहीं रखते हो, 70 पैसे मान लो, तो भी आपको 10-12 हजार रुपये का डेली का प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलने वाला है, जिसमें आपका लेबर भी कट जाएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी भी कट जाएगा और आपका जो भी रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्टिंग भी कट जाएगी। तो ये आपका नेट प्रॉफिट है, 10,000 रुपये आप दिन का आराम से कमा सकते हैं। 10-12 हजार रुपये प्रतिदिन आप कमा सकते हैं, यानी कि प्रतिदिन महीने के काफी अच्छी इनकम। आपकी डिमांड ज्यादा होती है तो आपको सिर्फ पैकिंग मशीन को बड़ी कर सकते हो जो इससे डबल प्रोडक्शन करती है, या एक की जगह 2 लगा सकते हो। जहाँ आप 10,000 कमा रहे हो आप 20,000 कमा सकते हो, 40,000 कमा सकते हो, वो आपकी सेल के ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग कैसी है, मार्केट कैसी है। बाकी ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि हर दुकानों पर सेल होता है, क्योंकि खाने पीने का आइटम हर दुकानों पर बिकता है और ये बच्चों के पसंदीदा आइटम है, क्योंकि इनमें छोटा मोटा खिलौना होता है जिसके ब्याह पे बच्चे इसको बार बार खरीदना पसंद करते हैं दोस्तों। बिल्कुल। और सर इसकी बात की जाए सर, ये बिजली की घर की बिजली चल जाएगा फिर उसके वजह से बिजली लगती है? बिल्कुल सर, देखिए आपको जो मैंने पूरा सेटअप दिखाया ये सारा का सारा सिंगल फेज घरेलू बिजली का सेटअप है, जिसमें आपको सिर्फ 2-3 मशीनें लग रही है हमारी, क्योंकि आपको सिर्फ कच्चा माल लेना है, उसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आपका हमारे पास देखा है ये गैस फ्रायर है जी। इसमें आपको इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं है, गैस से चलेगा। अगर किसी को इलेक्ट्रिक वाला चाहिए तो उसके लिए आपको 3 फेज का कनेक्शन चाहिएगा। अगर किसी का बजट नहीं है ये गैस फ्रायर लगाने का भी, तो आप नॉर्मल कढ़ाई भट्टी घर से यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। फ्राई करने के बाद एक्स्ट्रा तेल निकालने के लिए जो ड्रायर है उसमें केवल आपका 0.5 HP का मोटर होता है दोस्तों। उसके बाद ये हमारी फ्लेवरिंग मशीन है जिसमें हमारा 2 HP का मोटर है, ये भी सब सिंगल फेज है। और ये हमारा पैकिंग मशीन है, ये भी घरेलू बिजली पे चलती है जिसका 2 kW लोड होता है दोस्तों। तो आप 2 kW के घर के बिजली के कनेक्शन पे इस व्यवसाय को कर सकते हैं। क्या बात है। और सर बात की जाए व्यवसाय कितने रुपए से लागत से स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे? देखिए सर दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, ये जो पूरा का पूरा प्लांट है इसकी कीमत है मात्र 2.5 लाख रुपए, जिसमें हमारा फ्रायर नहीं होगा दोस्तों, आपको अपनी भट्टी लगानी पड़ेगी खुद से। अगर आप ये अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको हाइजेनिक तरीका से काम करना चाहते हैं, तो ये गैस फ्रायर आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा स्टेनलेस स्टील का है। ये हमारा गैस फ्रायर है हमारा 85,000 रुपये का, जिसके साथ हमारे 3,30,000 रुपये का पूरा सेटअप होगा, जिसमें हमारी ये सारी ड्रायर मशीन है, फ्लेवरिंग मशीन है, पैकिंग मशीन है। और इस मशीन को चलाने के लिए लगता है हमारा एयर कंप्रेसर, ये सारी मशीनें प्लस आपका फ्रायर, सब कुछ मिला के आपको 3,30,000 रुपये में हमारा सारा सेटअप मिलेगा दोस्तों। 3,30,000 में आपका प्रॉपर प्लांट सेटअप हो जाएगा और काफी अच्छी प्रोडक्शन आप कर सकते हो। और आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, आप केवल कच्चा माल मार्केट में सैकड़ों तरह के मिलते हैं, जैसे कटोरी है, चाउमीन है, पास्ता है, ABCD है, मोटू पतलू है, जंगल फन है, तो सैकड़ों आइटम ला करके आपको सबका सेम प्रोसेस करना है और अपना पैकेट करके मार्केट में सप्लाई करना है। तो इस छोटे से सेटअप के द्वारा आप मार्केट में 15-20 आइटम आराम से लॉन्च कर सकते हैं दोस्तों। ये छोटा सेटअप आपकी जिंदगी बदल सकता है, आप लोगों के काफी लोगों की जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि ये बिजनेस बहुत कम लोग करते हैं लेकिन करते काफी अच्छे स्केल पे। जी, आपने बड़ी बड़ी कंपनियां देखी होगी जैसे हल्दीराम है, लेज है, बीकानेर है, डायमंड है, अब उनका प्रोडक्शन इतना हाई हो चुका है कि वे ऑल इंडिया क्या वर्ल्ड में खेल रहे हैं और उनकी डेली की प्रोडक्शन क्षमता करोड़ों में है। और जैसी उनकी प्रोडक्शन क्षमता है ऐसा ही उनका इनकम है जी।
तो आप भी शुरुआत करके, जरूरी नहीं है कि एक साथ ही आप पहले दिन से ही 2 लाख 4 लाख कमाने लगे, धीरे धीरे आप भी अपने उसी तरह से कर सकते हो जैसे उन्होंने मेहनत करी है, आप भी वैसे ही मेहनत करो, सारा काम होगा आपका क्वालिटी पर, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी मार्केट में आपका अपने आप ही नाम आने लगेगा। और सर बाकी जैसे इसकी गारंटी वारंटी की रहती है, क्या मशीन के अंदर क्या क्या वैरायटी लगी हुई है इसके अंदर? सर सारी की सारी मशीनें हमारी आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी में अपनी होती है, सारे के सारे पार्ट्स हमारे ब्रांडेड होते हैं। अभी आपने जो पैकेट देखा है इसमें जो एयर भरी होती है इसका बेनिफिट है, हमारा डबल सिलेंडर में असेंबली है, बहुत सी कंपनियां सिंगल सिलेंडर में देते हैं, इसका बेनिफिट क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूं। अभी जैसे ये पैकेट है इसमें मैं आपको चढ़ के दिखा रहा हूं, तो ये लीक नहीं हो सकता दोस्तों, मैंने दोनों पैरों का वजन इस पर रख दिया है फिर भी इसकी हवा नहीं लीक हो रही, तो इस वजह से हमारी क्वालिटी अच्छी होती है मशीन की। अगर आपका प्रॉपर एयर बनेगी तो मार्केट में अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, आपका माल वापस नहीं आएगा दोस्तों। बिल्कुल, तो सारी की सारी क्वालिटी हमारी मशीनों में है और एक साल की हम वारंटी भी देते हैं दोस्तों, सारी की सारी मशीनों की एक साल की हमारी वारंटी रहेगी। और सर मोटर की बात की, मोटर कौन सी लगी होती है? मोटर कस्टमाइज होती है दोस्तों, जो भी आपको चाहिए, बाकी ज्यादातर हम हैवल्स की लगा के देते हैं, हैवल्स या क्रम्पटन की, बाकी किसी कस्टमर को अपनी कोई निजी चॉइस हो तो वो हमें बता सकते हैं, उसके हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी मशीन हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अभी मैं आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी दिखा देता हूँ, और इसके अलावा और भी हमारे पास मशीनें होती है, जैसे चिप का प्लांट है, नमकीन का प्लांट है, पीछे आप देख पा रहे हैं कॉर्न पॉप मेकिंग प्लांट है, यहाँ पर आप देखोगे ये मसाले का प्लांट है, तो इस तरीके के हमारे पास पास्ता मैक्रोनी आपका कुरकुरे पॉपकॉर्न नमकीन चिप और पैकेजिंग मशीन में, और जैसे आपका ये छोटी मशीन है इससे छोटी भी आ गई है, इससे बड़ी भी है, सारे सॉल्यूशन हमारे पास मिलेगा दोस्तों। और सर बात की जाए इसकी मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है सर? सर मेंटेनेंस इसमें कोई खास ही नहीं है, पूरी की पूरी आप देख रहे हो स्टील में एमएस की बॉडी फ्रेम में हर टाइप में हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसा कस्टमर हमसे बनवाना चाहता है, और पार्ट सारे ब्रांडेड है, तो मेंटेनेंस कोई खास है नहीं है, फिर भी हम एक साल की वारंटी रखते हैं। सर जैसे कोई नया बंदा है उसको इंस्टॉलेशन के लिए दिक्कत आ रही है, कुछ मतलब उसको टेक्निकल दिक्कत आई है, तो उसके लिए क्या प्रोवाइड करोगे गाइडेंस? देखिए कोई भी कस्टमर जब हमसे जुड़ता है दोस्तों तो हम क्या करते हैं, पहले उनको प्रॉपर तरीका से अपनी मशीनें दिखाते हैं, मशीन की खूबी बताते हैं कि भाई इस तरीका से आपको मशीन लोगे तो ये वाला आपको बेनिफिट है, क्योंकि हमने आपको डबल सिलेंडर में बताया है जिसका बेनिफिट मैंने अभी आपको दिखाया है जी। तो आप जब भी कोई मशीन लेते हैं तो हमारे यहाँ से ऑपरेटर जाता है फर्स्ट टाइम में, वो 2 से 4 दिन कस्टमर के वहाँ रुक के पूरा मशीन को चला करके कंप्लीट उनको सिखा करके आता है, उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत आती है, छोटी मोटी कमी, कोई सेटिंग आउट हो गई या कैसे कुछ चीज भूल गया, तो वो लिखवा के आते हैं वैसे तो, फिर भी वीडियो कॉल पे आप उनको सॉल्व करवा सकते हैं। बाकी एक साल की वारंटी में अगर कोई ज्यादा बड़ा फॉल्ट होता है तो हमारा ऑपरेटर द्वारा जाता है और उसको ठीक करके आता है। क्या बात है, मतलब सर की साइड से एक टेक्नीशियन आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देगा, प्रॉपर गाइडेंस करेगा और सारी चीज आपको सिखा के आएगा। जब भी मशीन जाती है तो फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है दोस्तों। और सर ऑल इंडिया डिलीवरी आपको मिलने वाली है? हाँ जी, डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया है, अगर कोई अदर कंट्री से भी जुड़ता है तो हमारे पास वहाँ भी भेजने का पूरा सुविधा है, क्योंकि हमारे पास एक्सपोर्ट लाइसेंस वगैरह सब कुछ है। अभी मेरा एक प्लांट जा रहा है दुबई में, साउथ अफ्रीका वगैरह, नेपाल, भूटान, यहाँ पर हमारा प्रॉपर जाता ही रहता है। क्या बात है, मतलब आप इंटरनेशनल भी देख रहे हो तो इंटरनेशनल भी आप जुड़ सकते हो, एक छोटी सी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लागत रहने वाली है मतलब 3 लाख रुपए की, 3,30,000 की लागत है। अगर आपको और भी कम बजट में चाहिए तो और भी मशीन यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ जी, कोई अगर फूड आइटम से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहता है जिसका बजट नहीं है 3,30,000 का भी, तो वो सिर्फ सिंगल पैकिंग मशीन लेकर के इससे भी शुरुआत कर सकते हैं, बना बनाया माल किसी मार्केट से ले लिया या किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से ले लिया, या आप चाय की पत्ती, तो ऐसा होता है उसका कुछ प्रोसेस करना ही नहीं होता, सीधा बल्क में खरीदा आपने, चाय की पत्ती को पैक करके अपने पैकेट में लॉन्च कर दिया, खुद की ब्रांडिंग में भी आप लेबल करा सकते हो। हाँ जी, इसके अलावा मसाले का व्यापार है, मसाले बने बनाए मार्केट से लिया उनको पीस करके या तो पैक कर लो या पिसा पिसाए लेकर के उनको पैक करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी सर, जैसे यहाँ पे किसी को आना हो तो कैसे विजिट कर सकता है, कैसे? सर हमारा जो पता है वो नोएडा सेक्टर 10 में है, अगर कोई भी बंदा किसी अदर स्टेट से आता है तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हमारा सबसे नजदीक है, उसके बाद मेट्रो की सुविधा या आप ऑटो या कैब के द्वारा डायरेक्ट आ सकते हैं, तो मेट्रो है हमारा नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीक है दोस्तों, बाकी फैक्ट्री है हमारा सेक्टर 10 के अंदर A79 फैक्ट्री नंबर है, बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं जिसमें आपको मशीन की वीडियो भी है, मशीन के बारे में जानकारी दी जाएगी, या आपको आने में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी दोस्तों। क्या बात है दोस्तों, होप करता हूँ कि वीडियो काफी अच्छी लगी हो और जो बिजनेस आइडिया काफी आपको हिट लगा हो, अगर हिट लगा हो तो लाइक हिट कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसे लगी। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक थैंक यू सो मच, बाय।